तो आज का मैच जो है कि आपकी हमने देखा, अपील आपकी वो जबरदस्त, लेकिन अंपायर ने आपकी एक नहीं सुनी, क्या कहना चाहते हैं? अंपायर एकदम सही थे अपनी जगह, वो जो डिसीजन ले रहे थे वो सही थे, हम उन पे उंगली भी नहीं उठा सकते और ना उठाना चाहते, हम बस चाह रहे थे अपनी टीम से बेस्ट दे सके, ये मैच लगे कि हाँ हम खेले हैं। मैं दो रात से ही बोल रहा था कि भाई ऐसा खेलेंगे कि लगेगा हाँ कि टीम ने बहुत ही बढ़िया करा है, थैंक यू भाई एंड थैंक यू भाई, इन्होंने बहुत साथ दिया। मुझे इसी सवाल का इंतजार वो कैच अगर ड्रॉप नहीं होती मुझसे तो शायद रिजल्ट कुछ और होते, मैं यही बोलूंगा कि हाँ मैं जाते जाते अपनी टीम को थोड़ा निराश कर गया, बट वो बहुत अच्छा खेले, मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो लास्ट ओवर हुआ उसने पूरा गेम बिगाड़ दिया कहीं ना कहीं उस ओवर ने, क्योंकि उस ओवर में बहुत रन आए, अगर उस शख्स को ओवर ना देते जिसने वो ओवर फेंका, मैं नाम नहीं जानता उनका, तो क्या पता गेम आपके पाले में गिर जाते। आपको लगता है गेम था वो, गेम उसी बॉलर की वजह से बना था, उसने आप चेक करेंगे उसने एक ओवर पहले उसने ओवर डाला था, ठीक है, गेम को वही लेकर आया था, ये तो देखो पार्ट ऑफ गेम है, कभी कोई चलता है कहीं नहीं चलता, तो आज उनका मतलब सेकंड ओवर थोड़ा हम कहां से फंसी का मैच निकाल के यहां तक आए, वो बहुत बड़ी चीज है, हम चार्ट में सबसे नीचे आ गए, और सबसे बड़ी बात है कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, सब एंजॉय करने के लिए आए थे, एंजॉय किया काफी, सबने मजा किया, और उसके बाद देखो ये तो छह टीम है तो चार जाएंगी दो जाएंगी फिर जाएंगी, ठीक है ना, ये तो पार्ट ऑफ गेम है। मोहित भाई क्या यादें लेके जाएंगे आप? भाई मैं अपनी टीम की यादें लेके जाऊंगा, मुझे वो ग्राउंड में जो हुआ ठीक है, बट हम सब जो मिलके रहे हैं, मैं करूं लास्ट के तीन दिन में जो यूनाइट हुए ना पूरी टीम, स्टार्टिंग में इतने क्लोज नहीं थे, बट एंड में आते आते एक माहौल बन गया था एक टीम में कि कल को हम नेक्स्ट सब सीजन आएंगे तो एक यूनाइट होगी, एक बहुत बढ़िया माहौल होगा जो हमने बनाया है, हमारी टीम बहुत मतलब पहले लोग इतना खुल के जानते नहीं बट वो मिलजुल के एक टीम बन गया है तो बहुत अच्छा लगता। तो मोहित भाई याद आ रही है ये सब की ईसीएल में आप आते थे हमसे बात करते थे क्राउड का शोर, किसको याद नहीं है भाई, आप खुद सोचो ना इतना अच्छा और बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ, गाइस मैं बता दूं इसने बहुत सपोर्टिंग बहुत बहुत मेहनत मारी है टूर्नामेंट के लिए, फील्ड में नहीं था बट फील्ड के पीछे इसने बहुत कुछ करा हमारे लिए। अंकित भाई आज के मैच में आपकी परफॉर्मेंस बैटिंग और बॉलिंग दोनों में जबरदस्त रही, उसके बावजूद जब हार आपको देखने मिली तो कैसा मनोबल बढ़ता है? देखो ये तो बैटिंग अच्छी है या बॉलिंग अच्छी है वो प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं होता, उसके लिए टीम वर्क चाहिए और हमारी टीम ने वर्क किया है बहुत अच्छा, और हम मतलब फाइटिंग करके हारे हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल हमने मैच में होप छोड़ दी, अपनी होप हमने बना के रखी थी, और दिन होता है सबका, आज शायद अपना दिन नहीं था तो उस वजह से भाई फाइनल में कल जो है जिस टीम की एक्साइटमेंट 22 वो 21 को हो चुकी है जो कल जा रही है हरियाणवी वर्सेज मुंबई आज जीती है, तो आपको कौन लगता है प्रेडिक्शन में और आप किसे चाहते हैं कि फाइनल में पहुंचे? यार टफ टीम है और ना मेरे दोनों साइड दोस्त हैं, नहीं प्रेडिक्शन और दोनों वो काट देंगे शुरू में आपने सर हमारा काम है पूछना और आपका है बताना, प्रेडिक्शन आपकी क्या है और आप किसे देखते हैं? फिनाले में किसको देखना चाहते हैं? मेरे को सही बताऊं तो मेरे को जो हरियाणा हंटर्स का उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप लगता है, ठीक है, और वो बहुत हेल्प करता है, और वो विनिंग स्ट्रीक उनकी आज टूटी है तो आई डोंट नो वो कल कैसा परफॉर्म करे, बट मुझे है कि हरियाणा भी हंटर वहां से निकाल सकते हैं, बट मुंबई इजी नहीं है भाई, मोहित भाई एक क्वेश्चन है, आप सभी ने एक मूवी देखी होगी एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, तो उसमें ये बोलता है कि भाई पता है हम मैच कहाँ रहे, तो वो एक मोमेंट कौन सा था आज के मैच में? हाँ मैच जिसकी वजह से थोड़ा वो यही बैठा है, किसी ने याद नहीं करा आज तक वो कैच छूटी ना, तो आप मोहित भाई आ जाओ आ जाओ, कैच छूटा मैच छूटा यार, हां यार वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट था और मतलब मेरी टीम को मुझसे भी बहुत उम्मीद थी कि कैच नहीं छूटेगा और ऐसा कैच छूट भी नहीं रहा था कोई, बट वो शायद पता नहीं मैं बहाने भी मानना चाहता हूं कैच छूट, नेक्स्ट ईयर मतलब बहुत बड़ा होने वाला है कुछ
पंजाब जीत के साल भी हम बड़ा कर रहे थे, और मैं कहता हूँ की अपनी टीम को भी की यार तुम बहुत अच्छा खेले, वो बहुत बेहतरीन खेले, और कहीं मुझसे मैं आगे कोशिश करूंगा ना। कहाँ जा रहे हो घूमने? मैं घूमने कहाँ जा रहा हूँ यार, थैंक यू सो मच ऑल।